नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया पॉडकास्ट। मैं निखिल आपके साथ। लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक गलवान वैली सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के दौरान ये झड़प हुई। भारतीय सेना का कहना है कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार रात को दोनों देशों की सेना में जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें सेना के एक अधिकारी और दो सैनिकों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के मुताबिक इस घटना में चीन के सैनिक भी हताहत हुए हैं। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अभी मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर बैठक कर रहे हैं। गलवान वैली भारत चीन के लद्दाख सीमा रेखा का इलाका है। पिछले दिनों इस इलाके में चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में प्रवेश करने की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC कहा जाता है, यानी 1962 की लड़ाई के बाद की वास्तविक स्थिति। रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि ये शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा। इसके बाद से मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई हैं। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते देखे जाने की बात सामने आई। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल नरावणे ने सीमा का दौरा किया था। भारतीय सेना ने यह भी बताया है कि इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी आगे जल्द ही दी जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जब इस बारे में चीन से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उसने कहा कि भारत को एकतरफा कार्रवाई करने और तनाव को और बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने भारत पर सरहद पार करने और चीनी अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया पॉडकास्ट।